हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। और पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग कर रहे थे सिंक्रोनाइजेशन। तो अभी तक मैंने सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आप लोगों को ये चीज़ बताया कि अगर सिंक्रोनाइजेशन ना हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। और फिर बताया था व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, सिंपल एक डेफिनेशन बता दी थी। सिंक्रोनाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए थे, ओके। और फिर सिंक्रोनाइजेशन अचीव कैसे करते हैं, सिर्फ मैंने आप लोगों को कैटेगरीज बताई थी जो कि ये रही। यहाँ पर देखो, सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। एंड थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन टू टाइप से आ जाते हैं, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड कोऑपरेशन, ओके। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो है वो हम लोग थ्री वेज से अचीव कर सकते हैं। कौन कौन से? सिंक्रोनाइज्ड मेथड, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक एंड स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, दैट इज सिंक्रोनाइज्ड मेथड। तो सिंक्रोनाइज्ड मेथड के थ्रू हम लोग कैसे सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सकते हैं, ये चीज आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, ओके। तो देखो, तो पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम करवाया था, याद है? मैं प्रोग्राम यहां पर लिख देता हूं, लॉजिकल पार्ट नहीं लिख रहा हूं, बाकी मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं। देखो, हम लोगों ने क्या पार्ट किया था, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, एक क्लास क्रिएट की थी, किसके नेम से? बुक थिएटर सीट के नेम से, ओके। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, एक क्लास यहाँ पर क्रिएट कर दी थी, ओके, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम किया था, एक मेथड क्रिएट कर दिया था, डेट इज वॉइड बुक सीट के नेम से। और इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने लिया था एक वेरिएबल, डेट इज सीट्स के नेम से, ओके। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास मेथड था, ओके, जिसके अंदर यहाँ पर हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशन लगा दिया था, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया था डेट इज इंट टोटल अंडरस्कोर सीट्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोगों ने लिया था 10, और यहाँ पर कंडीशन हम लोगों ने लगा दी थी कि भाई अगर टोटल सीट्स जो हैं वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है किसके, सीट्स के, ये वाले सीट्स के, तो वो इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज वो कहाँ पर चला जाएगा, एल्स वाले पार्ट के अंदर चला जाएगा, ओके। यहाँ पर हमारे पास लॉजिक पार्ट था दोनों के अंदर, ओके, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम मैंने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर करवाया हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं पता, ये वाला प्रोग्राम नहीं पता है, तो एक बार आप लोग पिछले वाला ट्यूटोरियल देख लेना, ओके, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद हम लोगों ने क्या पार्ट किया था, यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास और क्रिएट कर दी थी, डेट इज क्लास मूवी बुक ऐप के नेम से, ओके। मूवी बुक ऐप जो कि क्या कर रहा था, एक्सटेंड्स कर रहा था किसको, डेट इज थ्रेड को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया था, डेट इज पब्लिक वॉइड रन, हम लोगों ने यहाँ पर रन मेथड क्रिएट किया था। और यहाँ पर हम लोगों ने इस क्लास का एक रेफरेंस, स्टैटिक रेफरेंस भी बना दिया था, तो स्टैटिक बुक थिएटर ऐप बी के नेम से, ओके। और यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया था डेट इज बी डॉट क्या चीज, बुक सीट, यहाँ पर क्या कर दिया था, डेट इज बुक सीट के नेम से, जिसके अंदर यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया था डेट इज इंट सीट्स, और यहाँ पर हमारे पास आ गया था डेट इज सीट्स, ओके। और इस वाले सीट्स की वैल्यू हम लोगों ने कहाँ पर क्रिएट की थी, कहाँ पर लेकर आए थे हम लोग, मेन मेथड के अंदर, क्लियर है चीज। तो मेन मेथड बना दिया, मेन मेथड के अंदर सबसे पहले तो इसका हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, डेट इज न्यू, बी इक्वल्स टू न्यू एंड देन बुक थिएटर ऐप, ओके। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किए थे, मतलब दो थ्रेड्स हम लोगों ने क्रिएट किए थे, कैसे, मूवी बुक ऐप, डेट इज मूवी बुक ऐप, मैंने सिंपल MBA लिख दिया है, देन दीपक इक्वल्स टू न्यू, देन अगेन क्या आ जाएगा, मूवी बुक ऐप के नेम से, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज दीपक डॉट सीट्स के नेम से आ गया है, इक्वल्स टू दीपक डॉट सीट्स, मतलब मैं इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ भी, जैसे 7 एंड दीपक डॉट स्टार्ट, ओके। तो ये लो जी, सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, डेट इज मूवी बुक ऐप, देन यहाँ पर क्या था हमारे पास, अमित इक्वल्स टू न्यू, देन अगेन क्या आ जाएगा, डेट इज मूवी बुक ऐप के नेम से, देन अमित डॉट
सीड्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है सेक्स एंड अमित डॉट स्टार्ट, क्लियर है चीज। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम था, ओके ये लो जी, ये 2 मिनट में हमारा प्रोग्राम ये यहाँ पर क्रिएट हो गया, ओके ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी आउटपुट की बात करें तो कैसे आउटपुट आ रही थी, हाँ जी इसकी आउटपुट कैसे आ रही थी ये चीज समझना। देखो इसकी आउटपुट यूनिक आ रही थी, क्यों, क्योंकि भाई ये क्या हमारे पास मेन थ्रेड है, ये क्या हमारे पास मेन थ्रेड है, ओके और यहाँ पर 2 थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज थ्रेड 0 एंड थ्रेड 1, तो वो दोनों थ्रेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज थ्रेड 0 एंड थ्रेड 1। मैं एक काम करता हूँ, एक थ्रेड का नेम दीपक कर देता हूँ और एक थ्रेड का नेम अमित, वैसे ही ताकि आप लोगों को इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना। तो इस वाले थ्रेड का नेम क्या है, दीपक है, और इस वाले थ्रेड का नेम क्या है, अमित है, ओके दीपक कितनी सीट्स बुक कर रहा है 7 एंड ये कितनी सीट्स बुक कर रहा है 6, क्लियर है चीज। ये दोनों थ्रेड एक साथ इस वाले रिसोर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास क्या एक तरह से रिसोर्स है, क्लियर है चीज, ये हमारे पास हम लोग इसको क्या बोल देंगे, डेट इज रिसोर्स, ओके। तो ये दोनों के दोनों थ्रेड एक साथ इस वाले रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, तो सीट्स की वैल्यू आ रही है 7 एंड 6, तो दोनों थ्रेड यहां पर आएंगे, दोनों थ्रेड वो इसके अंदर चले जाएंगे, इफ टोटल सीट्स यहां पर कितनी है 10 इज ग्रेटर देन कितनी आ जाएगी 7, तो ठीक है ये। अब दूसरा थ्रेड भी उसी टाइम आ रहा है इसके अंदर, तो वो भी सीट बुक कर रहा है, जबकि ये वाली सीट्स जो उतनी सब्ट्रैक्ट होने के बाद अमित को यहां पर सीट बुक नहीं करनी चाहिए थी, क्लियर है चीज, दूसरे थ्रेड के लिए सीट बुक नहीं होनी चाहिए थी, बट वो क्या कर रहा था, आउटपुट प्रोवाइड कर रहा था -3, मतलब वो नेगेटिव में भी सीट्स लेकर जा रहा था, क्लियर है चीज। तो मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ पर लिख ही देता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज प्रोवाइड किया था, ये चीज लिखा था, डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली, ओके ये चीज किया था हम लोगों ने, कुछ भी इस टाइप से हम लोगों ने किया था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, डेट इज टोटल अंडरस्कोर सीट्स इक्वल्स टू टोटल अंडरस्कोर सीट्स माइनस में क्या आ जाएगा, डेट इज सीट्स, ओके तो ये वाला पार्ट कर दिया था। और फिर एक बार और हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया था, डेट इज सीट्स लेफ्ट, कितनी लेफ्ट हो गई थी हमारे पास सीट्स, डेट इज टोटल अंडरस्कोर सीट्स, ओके ठीक है। एंड else वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या प्रिंट करवा दिया था, सिंपल लिख दिया था, डेट इज सीट्स कैन नॉट बी बुक्ड। और यहां पर हम लोगों ने यही चीज करवा दिया था कि सीट्स लेफ्ट, कितनी सीट्स लेफ्ट हो गई है, डेट इज सीट्स लेफ्ट इक्वल्स टू सॉरी सीट्स लेफ्ट देन प्लस के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, डेट इज टोटल अंडरस्कोर सीट्स, ओके। तो ये हमारे पास लॉजिकल पार्ट था। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई दोनों थ्रेड सीट बुक कर रहे थे, तो दोनों थ्रेड यहां पर आ रहे थे दीपक के लिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, दीपक थ्रेड है और ये हमारे पास है अमित, ओके दोनों थ्रेड एक साथ अंदर आ गए, टोटल सीट्स हमारे पास सिर्फ 10 है, तो दोनों थ्रेड अंदर आ गए, ठीक है दोनों के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि एक के लिए यहां पर क्या 7 वैल्यू है, एक के लिए 6 है और यहां पर क्या 10, तो दोनों केसेस में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोनों केसेस में वो अंदर आ जाएगा, सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली, दोनों थ्रेड के लिए वो प्रिंट करवा देगा सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली। फिर टोटल सीट्स इक्वल्स टू टोटल सीट्स माइनस सीट्स, अगर दीपक वाला थ्रेड पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करवाएगा तो आउटपुट क्या आ जाएगी, डेट इज 10, डेट इज 10 माइनस 7 कितना हो गया ये 3, तो 3 आ जाएगा, देन दूसरे वाला थ्रेड भी वो करेगा, दूसरे वाले थ्रेड के लिए अब टोटल सीट्स कितनी रह गई हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस सीट्स, सीट्स इसके लिए कितनी है 6, तो 3 माइनस 6 आउटपुट इसकी क्या आ जाएगी -3, क्लियर है चीज। तो यही आउटपुट आ रही थी हमारे पास, सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली, देन क्या आ रहा था वो सब्ट्रैक्ट कर रहा था एंड सीट्स लेफ्ट वो क्या बोल रहा था 3, देन दूसरे के लिए वो क्या बोल रहा था सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली, देन सीट्स लेफ्ट कितनी आ रही थी -3, अब -3 में कैसे सीट्स लेफ्ट हो सकती हैं भाई, तो वो लॉजिक बिल्कुल गलत हो जाता है, ओके तो हमें क्या करना है इस चीज को अब ठीक करना है। तो हम लोग यहां पर क्या चीज यूज करेंगे, फर्स्ट वे जो हम लोग यूज कर सकते हैं, डेट इज सिंक्रोनाइज्ड मेथड, ओके। अब सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्या होता है, देखो सिंक्रोनाइजेशन हम लोग किसके थ्रू अचीव करते हैं, सिंपल है, सिंक्रोनाइजेशन हम लोग सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के थ्रू अचीव करते हैं, और किसी भी मेथड के आगे
किसी भी मेथड के आगे अगर मैं सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज कर देता हूं तो मेथड क्या हो जाएगा, सिंपल सिंक्रोनाइज्ड मेथड। ओके, तो सिंपल है भाई, मैं यहां पर क्या चीज लगाऊंगा, डेट इज सिंक्रोनाइज्ड, मैं यहां पर क्या चीज लिख दूंगा, डेट इज सिंक्रोनाइज्ड। ओके, तो ये यहां पर हमारे पास क्या हो गया है, हाँ जी ये हमारे पास यहां पर क्या पार्ट हो गया है, एक रिसोर्स क्रिएट हो गया। क्लियर है चीज, ये लो जी एक रिसोर्स हमारे पास क्रिएट हो गया। ये रिसोर्स हमारे पास अब किस टाइप का है, सिंक्रोनाइज टाइप का है। क्लियर है चीज, तो सिंक्रोनाइज रिसोर्स, और वो सिंक्रोनाइज रिसोर्स क्या हमारे पास, मेथड। तो मैं आपके बार क्या बोलूंगा, सिंक्रोनाइज मेथड। ओके, तो यहां पर आपके बार क्या हो गया, एक सिंक्रोनाइज मेथड क्रिएट हो गया। क्लियर है चीज, अब की बार आउटपुट सही आ जाएगी, सिर्फ एक वर्ड मैंने लगाया, डेट इज सिंक्रोनाइज्ड किसके आगे, मेथड के आगे, वो क्या बन गया, सिंक्रोनाइज्ड मेथड। अब आप जितनी मर्जी बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखना, आपकी आउटपुट सही आएगी, किसकी वजह से, सिर्फ एक वर्ड लिखने की वजह से, डेट इज सिंक्रोनाइज्ड। ओके, बट मैं आप लोगों को इसके बैकएंड वर्किंग समझा देता हूं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, कैसे, अब देखो सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड की वजह से हुआ क्या, हम लोग ये चीज देख लेते हैं। देखो यहां पर, देखो यहां पर मैंने क्या किया था, बुक थिएटर सीट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, बुक थिएटर सीट का हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट किया था। तो ये लो जी, ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, डेट इज बी। ओके ठीक है, अब एक पॉइंट मैं आप लोग बता देता हूं कि जावा के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक यूनिक लॉक होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक यूनिक लॉक होता है, जैसे हर एक घर का अपना एक यूनिक लॉक होता है ना, हर एक घर का अपना एक अलग लॉक होता है। तो सिमिलरली जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप लोग बनाते हो ना जावा के अंदर, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक यूनिक, एक अलग से लॉक होगा। ओके ठीक है, और उस जावा के अंदर दो एरिया होते हैं, दो एरिया होते हैं, कौन कौन से एरिया होते हैं, एक तो होता है डेट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड एरिया, नॉन सिंक्रोनाइज्ड एरिया, और एक होता है डेट इज सिंक्रोनाइज्ड एरिया। ओके, तो ये हमारे पास दो एरिया होते हैं, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ओके ठीक है, तो यहां पर दो पॉइंट्स आ गए, क्या क्या पॉइंट आ गए, दो पॉइंट्स आ गए, क्या क्या पॉइंट आ गए, कि भाई एक तो ऑब्जेक्ट का लॉक होता है, ओके, एंड सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो एरियाज होते हैं, टू एरियाज यहां पर होते हैं। ओके ठीक है भाई, अब यहां पर देखो मैं क्या करवा रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, बी ऑब्जेक्ट था ना हमारा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ये वाला मेथड कॉल कर रहा हूं। क्लियर है चीज, और ये वाला मेथड हमारे पास किस टाइप का है, सिंक्रोनाइज टाइप का है। क्लियर है चीज, तो ये वाला जो मेथड है डेट इज बी डॉट बुक सीट, ये जो मेथड है डेट इज बुक सीट, ये हमारे पास ये यहां पर आ जाएगा। क्लियर है चीज, ठीक है भाई, अब यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, दो थ्रेड क्रिएट कर दिए, एक है दीपक और एक है अमित। ओके तो ये लो जी, ये हमारे पास दीपक आ गया, ये हमारे पास अमित आ गया। ओके ये लो, ये हमारे पास दीपक आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, अमित आ गया है। ये 7 सीट्स बुक कर रहा है और ये 6 सीट्स बुक कर रहा है। ओके ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखो अब मैं क्या करवा रहा हूं, दीपक डॉट स्टार्ट मैं यहां पर आ गया और यहां पर वो क्या कर रहा है, बी डॉट बुक सीट। डेट मीन्स के ये वाला थ्रेड जो है ये इस वाले मेथड को, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वाले मेथड को कॉल कर रहा है। ओके अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, ये वाला मेथड किस टाइप का मेथड है भाई, ये वाला मेथड किस टाइप का मेथड है, सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। ओके किस टाइप का मेथड है, ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। ओके ठीक है, अब हर एक ऑब्जेक्ट का एक अलग लॉक होता है, तो ये वाला थ्रेड जब इस वाले ऑब्जेक्ट को, सॉरी इस वाले मेथड को एक्सेस करेगा, जब ये वाला थ्रेड जो है, ये वाला थ्रेड इस वाले मेथड को एक्सेस करेगा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो इस वाले थ्रेड को क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का लॉक उसको एक्वायर करना पड़ेगा। मतलब उसको क्या चाहिए कि भाई ये वाला सिंक्रोनाइज्ड एरिया जो है, इसके अंदर अगर आपको कुछ भी चीज़ें एक्सेस करनी है तो आपको उसका लॉक चाहिए। सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे एक घर है उसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। ओके अब घर में चलो चोर घुसा देते हैं, ओके
तो वो क्या करेगा, उसके पास हर एक घर का अपना एक यूनिक लॉक है, उस घर में घुसने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, उसको वो वाला लॉक एक्वायर करना पड़ेगा, मतलब उसको वो वाला लॉक खोलना पड़ेगा। ओके, तो उसने क्या कर दिया, वो वाला लॉक उसने ओपन कर दिया, वो वाला लॉक उसने एक्वायर कर लिया, और उसने क्या कर दिया, अंदर से उसने कुंडी लगा ली कि भाई कोई दूसरा पर्सन ना आ जाए, उसने क्या कर दिया है, डोर अंदर से लॉक कर दिया, क्लियर है चीज, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, एक थ्रेड आया, उस थ्रेड ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट का लॉक एक्वायर कर लिया, और वो क्या कर रहा है, वहां पर उस वाले मेथड को एक्सेस कर रहा है, मतलब चोर आया, उसने घर का लॉक ले लिया, और वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। ओके, ठीक है। अब यहां पर एक और चोर आ गया, क्लियर है चेस, एक और चोर आ गया, बट उसको क्या करना था, लॉक इसको भी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर जाने के लॉक उसको भी चाहिए, बट इसने क्या कर रखा है, ऑलरेडी लॉक एक्वायर कर रखा है और अंदर से कुंडी लगा रखी है, अंदर से डोर लॉक किया हुआ है, तो ये जो है ये उस घर के अंदर नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि पहले उसको लॉक एक्वायर करना पड़ेगा, क्लियर है चीज। तो ये वाला जो थ्रेड है ये किसमें चला जाएगा, ये वाला थ्रेड जो है ये वेट करेगा, क्लियर है चीज, ये वेट करेगा कि भाई कब इसका लॉक फ्री होगा और कब मैं इस लॉक को एक्वायर करूंगा। ओके, दैट मीन्स के ये वाला थ्रेड जो है, ये वाला थ्रेड पहले इसके अंदर आ गया, ये वाले थ्रेड ने इस मेथड को एग्जीक्यूट करवा दिया। ओके, अब देखो दीपक आया, दीपक के सीट्स कितनी बुक करनी है उसने, 7, ठीक है भाई, अंदर आ गया, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, ठीक है, फिर अंदर आ गया, सीट्स बुक सक्सेसफुली, टोटल सीट्स हमारे पास कितनी रह गई हैं, डेट इज 3, ठीक है, टोटल सीट्स हमारे पास कितनी हो गई हैं, 3, देन सीट्स लेफ्ट उसने क्या बोल दिया, 3 यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड कर दी। ओके, अब क्या कर दिया, दीपक जो थ्रेड है उसने अपना काम फिनिश कर दिया, और उसने क्या कर दिया, ये वाला लॉक उसने छोड़ दिया, क्लियर है चीज, ये लो जी, उसने क्या कर दिया, ये वाला लॉक उसने एक्वायर कर दिया, ड्रॉप कर दिया है, और ये चीज़ क्या हो गया, डेड हो गया, क्लियर है चीज। अब ये वाला थ्रेड आएगा, अब क्या होगा, ये वाला थ्रेड आएगा, ये वाला थ्रेड अब ये वाला लॉक एक्वायर कर लेगा, क्लियर है चीज। अब इस लॉक को, जब इसको इस वाले थ्रेड को ये वाला लॉक मिल गया, तो वो क्या करेगा, इस वाले मेथड को, डेट इज बुक सेट वाले मेथड को यूज करना स्टार्ट कर देगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब उसके अंदर आ गया, इफ टोटल सीट्स, टोटल सीट्स यहाँ पर कितनी बच गई थी हमारे पास, 3, क्योंकि सबसे पहले ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। अच्छा, कोई भी थ्रेड पहले लॉक एक्वायर कर सकता है, हो सकता है दीपक वाला थ्रेड पहले लॉक एक्वायर कर ले, या फिर हो सकता है अमित एक्वायर कर ले, बट करेगा एक ही थ्रेड। ओके, तो अब के बाद टोटल सीट्स हमारे पास कितनी है, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितने, 6, क्योंकि ये यहाँ पर कितनी सीट बुक कर रहा है, 6, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो इफ के अंदर नहीं जाएगा, एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, और वो क्या बोल देगा, सीट्स कैन नॉट बी बुक्ड, एंड आउटपुट क्या आ जाएगी, यहाँ पर सीट्स लेफ्ट कितनी, 3, तो 3 सीट्स ही वो बुक कर सकता, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता, क्लियर है चीज। तो अकेला यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड लिखने की वजह से, अकेला सिंक्रोनाइज लिखने की वजह से ये रिसोर्स हमारा किस टाइप का हो गया, सिंक्रोनाइज रिसोर्स हो गया। तो ये वाला मेथड जो है, हम लोग बोल सकते हैं ये वाला मेथड जो है ये सिंक्रोनाइज मेथड क्रिएट हो गया। तो कोई भी थ्रेड, आप जितने मर्जी थ्रेड यहाँ पर क्रिएट कर लो, एक थ्रेड हमारे पास ये वाला आ गया है और एक थ्रेड हमारे पास ये वाला आ गया है, तो सबसे पहले एक थ्रेड इस वाले सिंक्रोनाइज मेथड को एक्सेस करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे वाला थ्रेड जो है वो चीज़ वेट करता रहेगा, देन जैसे ये वाले थ्रेड ने ये वाली जो कोडिंग पार्ट है ये एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, डेड स्टेट के अंदर चला जाएगा, और वो लॉक को छोड़ देगा, वो लॉक एक्वायर जो उसने किया हुआ था वो ड्रॉप कर देगा, देन दूसरा थ्रेड जो वेट कर रहा था वो लॉक एक्वायर करेगा, फिर वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, क्लियर है चीज। तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है, देखो सिंक्रोनाइज्ड मेथड बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है भाई, मेथड हम लोगों ने जो बनाया था उसके आगे सिंक्रोनाइज्ड लिख दिया, तो वो मेथड किस टाइप का हो गया, सिंक्रोनाइज्ड मेथड। तो सिंक्रोनाइज्ड मेथड लिखने की वजह से क्या होगा कि भाई जितने भी थ्रेड्स आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे, और उस वो वाले थ्रेड अगर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो जितने भी थ्रेड्स हैं उनमें से सिर्फ एक ही थ्रेड पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सारे थ्रेड वेटिंग में चले जाएंगे, देन जैसे ये वाला थ्रेड जो है ये अपना टास्क फिनिश कर देगा, तो दूसरा थ्रेड आ जाएगा, वो इसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, देन थर्ड थ्रेड आ जाएगा,
बट इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है ये चीज आप लोगों को मेन फोकस करना है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे इंटरनल वर्किंग कर रहा है ये चीज। मैं एक बार और बता देता हूँ, सिंपल है, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने। क्या चीज कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप लोग बनाते हो हर एक ऑब्जेक्ट का एक अपना लॉग होता है, फर्स्ट पॉइंट। ओके, देन हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो एरिया होते हैं, कौन कौन से, नॉन सिंक्रोनाइज्ड एरिया एंड सिंक्रोनाइज्ड एरिया। सिंक्रोनाइज्ड एरिया के थ्रू हम लोग कौन से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं जो कि सिंक्रोनाइज्ड है, चाहे वो सिंक्रोनाइज्ड मेथड है चाहे वो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है। तो सिंक्रोनाइज्ड एरिया के अंदर ये सारा जो सिंक्रोनाइज्ड वाला पार्ट है वो चीज़ आ जाएगा, और कोई भी थ्रेड जब इस वाले सिंक्रोनाइज्ड एरिया के थ्रू मेथड को एक्सेस करेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड को एक्सेस करेगा, तो वो वाला थ्रेड जो है वो चीज़ लॉक ले लेगा, और ये वाला लॉक जब इस वाले थ्रेड ने ले लिया तो कोई भी दूसरा थ्रेड वो वाला उस वाले मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक कि वो लॉक नहीं ले लेता। अब जैसे ही इसने ये वाला काम ख़त्म किया, ये लॉक अपना छोड़ देगा, डेड स्टेट के अंदर पहुंच जाएगा, जो भी है डेड स्टेट के अंदर अगर नहीं भी गया, अगर कुछ और भी काम कर रहा है तो वो लॉक छोड़ देगा, वो लॉक फिर ये वाला थ्रेड एक्वायर कर लेगा और वो अपना टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर थ्रेड जो है, जब एक थ्रेड उस चीज को एग्जीक्यूट कर रहा है, एक थ्रेड जब लॉक लेकर सिंक्रोनाइज्ड मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो दूसरा थ्रेड उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, दूसरा थ्रेड जो है वो वेट करता रहेगा, और इसकी वजह से हमारी आउटपुट जो है इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में सही ढंग से आने लग जाती है। डेटा इनकंसिस्टेंसी की जो प्रॉब्लम होती है वो चीज नहीं आती। क्लियर है चीज? तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, और स्पेशली ये वाली जो वर्किंग है ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, और सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा महाभारत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्या चीज़ है कि भाई ऑब्जेक्ट का अपना एक लॉग होता है, जिस थ्रेड के पास वाला लॉग चला गया वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को, सिंक्रोनाइज्ड मेथड को एक्सेस करने लग जाएगा, बाकी थ्रेड वेट करेंगे। जैसे ही वो अपना टास्क परफॉर्म कर लेगा, दूसरा थ्रेड लॉक एक्वायर कर लेगा, ये वाला थ्रेड लॉक छोड़ देगा, दूसरे वाला थ्रेड जो है वो लॉक एक्वायर कर लेगा और वो अपना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा सिंक्रोनाइज्ड मेथड को। दैट्स इट। क्लियर है चीज? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। सिंक्रोनाइज्ड मेथड अगेन बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। जो प्रोग्राम हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर बनाया था, यही वाला बनाया था, तो उसी के अंदर मैं सिर्फ एक वर्ड लिखूंगा, कौन सा वर्ड, सिंक्रोनाइज्ड, और ये लिखते ही पूरा पूरा प्रोग्राम सही ढंग से एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। ओके, तो एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखो, तो यहाँ पर देखो नेटबीन्स हम लोगों ने ओपन कर दिया, तो ये देखो ये वाला प्रोग्राम हम लोग बना रहे थे ना, ये देखो यही वाला प्रोग्राम था हमारे पास, और मैं इसको जब रन करूँगा तो ये देखो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी। ये देखो जब मैंने इसको यहाँ पर रन किया तो ये देखो क्लियर है चीज, तो इस टाइप से आउटपुट आ रही है, और हर बार आउटपुट जो है वो अलग आ सकती है। ये देखो क्लियर है चीज, हर बार आउटपुट अलग यहाँ पर आ सकती है। क्लियर है चीज? ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि मैं सिर्फ यहाँ पर क्या चीज़ लिखूंगा, सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड क्या है, कीवर्ड है, ध्यान रखना। तो सिंक्रोनाइज्ड लिखा मैंने, सिर्फ एक वर्ड लिखा। अब आप यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके देखो, तो ये देखो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली एंड सीट्स लेफ्ट 3, एंड फिर ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, सॉरी सीट्स कैन नॉट बी बुक्ड एंड सीट्स लेफ्ट कितनी होगी है, 3। क्लियर है पॉइंट? अब आप यहाँ पर जितनी मर्जी बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लो, ये देखो जितनी मर्जी बार आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लो, ये सेम ही आउटपुट प्रोवाइड करेगा। क्लियर है चीज? या तो वो क्या करेगा, ये वाली आउटपुट प्रोवाइड करेगा, या फिर हो सकता है वो बोल दे कि 6 सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली एंड सीट्स लेफ्ट कितनी रहती हैं, 4। क्योंकि हो सकता है दूसरे वाला थ्रेड, हो सकता है ये वाला थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब पहले इस वाले रिसोर्स को एक्वायर कर ले, इसका लॉक एक्वायर करके ये वाले रिसोर्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे। तो पॉसिबिलिटी अगर हम लोग बात करें, ये देखो आगे यहाँ पर 6 सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली, देन सीट्स लेफ्ट यहाँ पर कितनी रह गई हैं, 4, एंड दूसरे के लिए अब की बार सीट्स बुक यहाँ पर नहीं होगी।
क्लियरेंसेस, बस यही दो आउटपुट्स यहाँ पर आ सकती है, इसके अलावा कोई थर्ड आउटपुट यहाँ पर नहीं आएगी। ये देखो, अब जितनी मर्जी बार यहाँ पर आप प्रोग्राम को रन करके देख लो, मैं शिफ्ट एंड F6 प्रेस कर रहा हूँ बार बार, तो ये देखो जितनी मर्जी बार भी आप रन करके देख लो आउटपुट, यही दोनों आउटपुट आ सकती हैं। क्लियरेंसेस अगर आप यहाँ पर चेंज कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 4, यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 3, तो ये दोनों के लिए सीट्स बुक कर देगा भाई। ये देखो 6 और 3, ये देखो दोनों के लिए सीट्स बुक कर रहा है, ये देखो। क्लियरेंसेस तो इस टाइप से आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर क्या पार्ट करते हैं, मैं वापस से 6 और 7 यहाँ पर कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड लिखते हो, एक ही कीवर्ड यूज़ करते हो, डेट इज सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड लिखने की वजह से ये वाला मेथड क्या हो गया, हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्रिएट हो गया। क्लियरेंसेस तो ये वाला मेथड सिंक्रोनाइज्ड मेथड हो गया। अब दो थ्रेड जो है हमारे पास, डेट इज एक ये वाला थ्रेड है और एक अमित थ्रेड है, तो इन दोनों थ्रेड में से कोई भी एक थ्रेड इस वाले रिसोर्स को यूज करना स्टार्ट कर देगा, मतलब बुक सीट वाला मेथड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर अमित यहाँ पर इस वाले रिसोर्स को एग्जीक्यूट करता है, तो 6 सीट्स वो बुक कर रहा है, 6 सीट्स वो बुक कर रहा है, सीट लेफ्ट कितनी होगी है 4, तो फिर दूसरे वाला थ्रेड आएगा, फिर दूसरे वाले थ्रेड के लिए ये वाला पार्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो सीट्स बुक नहीं कर पाएगा। क्लियरेंसेस तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही थ्रेड इसको, इस वाले सिंक्रोनाइज्ड मेथड को यूज करेगा, दूसरे वाला थ्रेड वेट करेगा। देन जब वो वाला थ्रेड पूरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो लॉक छोड़ देगा, वो इस वाले ऑब्जेक्ट का लॉक जो उसने एक्वायर किया था, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक यूनिक लॉक होता है और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो एरियाज होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड एंड नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ओके, तो अगर एक थ्रेड वो इस वाले रिसोर्स को एग्जीक्यूट कर लेता है, क्योंकि वो लॉक एक्वायर कर लेगा, तो दूसरे वाला थ्रेड वेट करेगा। जैसे ही उसने उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, तो वो लॉक छोड़ देगा, वो लॉक दूसरे वाला थ्रेड एक्वायर कर लेगा और फिर वो वाला थ्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा इस वाले रिसोर्स को। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो इस टाइप से जो भी इसकी डिसएडवांटेजेस थी, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी, तो भाई एक तो डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है, और थ्रेड इंटरफेरेंस के, भाई दोनों थ्रेड हो सकते हैं एक दूसरे को इंटरफेयर करने लग जाए, तो वो दोनों प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई। क्लियरेंसेस तो ये कॉन्सेप्ट था किस चीज़ का, सिंक्रोनाइज्ड मेथड का। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। सो आई होप आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि ये वाला प्रोग्राम किस टाइप से वर्क करता है। और बैकएंड पर अगर हम लोग बैकएंड की बात करें, तो बैकएंड पर इसका क्या काम रहता है, लॉक किस टाइप से लॉक वो एक्वायर करता है, ये आई होप प्रॉपर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट आ रहे थे कि सर सिंक्रोनाइजेशन समझा दो, बिल्कुल नहीं समझ में आता है। तो बहुत ईजी है, ये वाला जो काम है ना, ये बैकएंड पर हो रहा है। आप लोगों की, अगर मैं सिर्फ आप लोगों की बात करूं, आप लोगों के लिए यहां पर क्या था, सिर्फ एक सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड था। ये क्या हमारे पास कीवर्ड है, तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड आपको यूज करना है किसी भी मेथड के आगे, वो क्या हो गया, सिंक्रोनाइज्ड मेथड। तो अब आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी, अगर हम लोग सिंक्रोनाइजेशन को यूज नहीं करेंगे, डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम थी जैसे हमारे पास यहां पर आ रही थी, एंड सेकेंड कौन सी प्रॉब्लम थी, थ्रेड इंटरफेरेंस। तो ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम सिर्फ एक ये वाले कीवर्ड लगाने से सॉल्व हो गई। ओके, और बाकी जो ये वाली वर्किंग है, ये वाली वर्किंग JVM ऑटोमेटिकली बैकएंड पर संभालता रहता है, आप लोगों को कुछ भी पार्ट करने की नीड नहीं है। क्लियर है पॉइंट। ये जो लॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर ये दो एरियाज होते हैं, कौन सा थ्रेड पहले लॉक एक्वायर करेगा, लॉक जब ये वाला थ्रेड इसने लॉक एक्वायर कर लिया, फॉर एग्जांपल अमित ने लॉक एक्वायर कर लिया, फिर वो उस मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूशन खत्म होते ही वो इस वाले लॉक को छोड़ देगा, देन दूसरे वाला थ्रेड ये वाला लॉक एक्वायर कर लेगा। तो ये जो पूरा पूरा पार्ट है ना बैकएंड पर, ये JVM संभालता है, ये आप लोगों को कुछ भी करने की नीड नहीं है। ओके, बट फिर भी आप लोगों को सिर्फ इतना पार्ट पता होना चाहिए कि भाई बैकएंड पर वो किस टाइप से काम करता है। क्लियर है पॉइंट। सो आई होप यहां पर आप लोगों को सिंक्रोनाइज्ड मेथड का पता चल गया होगा, क्या होता है और कैसे बनाते हैं, वो तो कोई भी बता देगा आप। ओके,
एंड बैकएंड वर्किंग क्या होती है, आई होप ये भी पार्ट आप लोगों को पता चल गया होगा। ओके तो इस टाइप से आप लोग और भी प्रोग्रामिंग के साथ और भी पंगे लेकर देखो, और भी आप यहाँ पर ऐप्स वगैरह बनाकर देखो, प्रोग्राम वगैरह बनाकर देखो। इन केस अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।